नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय शर्मा सभी शिक्षक साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में शिक्षण अधिगम का जो महत्वपूर्ण उपागम है, जिसमें हम लोग आज सहयोगी शिक्षण अधिगम के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पूर्व एक बार पुनः मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि हम ये जानें और समझें कि सीखना किसे कहते हैं, सीखने को कौन कौन से ऐसे कारक है जिनसे सीखना प्रभावित होता है, साथ ही साथ सहयोगी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किसे कहते हैं, क्या इस प्रक्रिया की अवधारणा है और इसका क्या उपयोग होता है और इसमें हम शिक्षक साथियों की क्या भूमिका बनती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सीखना किसे कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में कुछ खास तरह का या अपेक्षित बदलाव किया जाता है। जब ये बदलाव व्यक्ति के व्यवहार में हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में है। ये बदलाव स्थायी होना चाहिए तथा इन बदलावों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ जो निर्दिष्ट लक्ष्य उसने तय किए हैं उनको प्राप्त करता है। सीखना प्राय एक समय एवं संदर्भ सापेक्ष प्रक्रिया होती है। इस तरह का सीखना एक प्रकार से सुविचारित, योजनाबद्ध एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे की भूमिका या सीखने वाले की भूमिका एक सक्रिय, संचेतन तथा उत्प्रेरक की होती है। हम सीखते कैसे हैं ये भी समझना और जानना महत्वपूर्ण है। सीखना प्राय बच्चे अक्सर नकल करके सीखते हैं, उसको अनुकरण करके सीखते हैं, अपने सीखे हुए को दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं, उन अभ्यासों में जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों से वो सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं और अवलोकन करके सीखने में नए प्रकार के व्यवहार का लगातार निर्माण कर रहे होते हैं। बच्चे अपने अनुभवों के द्वारा भी सीखते हैं और इन अनुभवों को मजबूत बनाने में बच्चों के संवेदी अंगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी प्रकार सीखने को कुछ खास तरह के कारक प्रभावित कर रहे होते हैं। बच्चे की अपनी समझ और उसकी परिपक्वता भी सीखने में एक बड़ी भूमिका निभा रही होती है। बच्चे की जिज्ञासा, सीखने को लेकर उसकी तत्परता प्रायः सीखने में मदद करती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं और मानते हैं कि सीखने के लिए खास तरह का माहौल होता है, एक परिवेश होता है और ये परिवेश अक्सर इस परिवेश का निर्माण करना अक्सर हम शिक्षक साथियों की बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। क्यों? क्योंकि सीखने का ये माहौल या ये परिवेश ही बच्चों को सीखने के लिए तैयार कर रहा होता है, उनकी तत्परता को बढ़ा रहा होता है। इन सब के साथ सीखने के लिए बच्चे की अपनी आंतरिक प्रेरणा या उसकी बाह्य प्रेरणा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। सीखने में यदि रोचकता है, बच्चा अगर आनंदपूर्वक उस कक्षा में है और उस विषय में भागीदारी कर रहा है तो निश्चित रूप से ये भी उसके सीखने को बढ़ा रहा होता है। अर्थात बच्चे की अपनी समझ, उसकी परिपक्वता, उसकी तत्परता, विद्यालय या कक्षा का माहौल, उसके आसपास का माहौल, सीखने के लिए उसकी अपनी आंतरिक या बाह्य प्रेरणा और उसकी विषय के प्रति रोचकता, ये सब मिलकर प्राय सीखने को बढ़ा रही होती है या उसको संदर्भित कर रही होती है। ये जान लेने के बाद कि सीखना क्या होता है, सीखना कैसे आगे बढ़ता है और सीखने के महत्वपूर्ण कौन कौन से कारक हैं, इन सबको समझ लेने के बाद छोटी कक्षाओं के लिए खास तौर पर पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में सहयोगी अधिगम के द्वारा सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में जाना गया है। सहयोगी अधिगम से हमारा तात्पर्य कोऑपरेटिव लर्निंग से है या सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम से हैं। इन सबको इस विधि के बारे में चर्चा करने से पूर्व हमें कुछ बातें जानना जरूरी होता है। एक शिक्षक के नाते हम ये माने और जाने कि जो बच्चा हमारी कक्षाओं में आता है उसका एक अपना एक समृद्ध परिवेश होता है और वो समृद्ध परिवेश उस बच्चे के ज्ञान के भंडार को लगातार रच रहा होता है, उसको गढ़ रहा होता है। बच्चा कोरिसलेट नहीं होता है, बच्चा पहले से भी कई सारी चीज़ों को जान रहा होता है, समझ रहा होता है, उसके पास एक पर्याप्त अनुभव होते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमें मानना चाहिए कि ज्ञान का निर्माण और उसका परिमार्जन सामूहिकता में होता है। समूह में गतिविधियां करके, समूह में बातचीत करके बच्चे लगातार अपने ज्ञान को बढ़ा रहे होते हैं। सभी बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। एक शिक्षक को ये मानना चाहिए कि सभी बच्चों में सीखने का सामर्थ्य होता है, सभी बच्चे कुछ ना कुछ अक्सर सीख रहे होते हैं, लगातार सीख रहे होते हैं और एक शिक्षक इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता है कि वो बच्चों को परिवेश दे, बेहतर परिवेश दे जिसमें वो सीख पाएँ। अर्थात परिवेश से बच्चे सीखते हैं,
परिवेश से बच्चों को सीखने मदद मिलती है, अक्सर हम इस बात को जानते और सुनते और समझते आए हैं। सीखने का मतलब, एक शिक्षक होने के नाते हमें जानना चाहिए कि सीखने का मतलब बच्चे जब आपकी कक्षा में कुछ अपने अनुभवों को दोहरा रहे हैं, उन पर प्रयोग कर रहे हैं, उन पर बातचीत करते हैं, किए हुए काम पर सवाल खड़े करते हैं, उनका उत्तर ढूंढते हैं, सोचते हैं और खुद से करके देखना चाहते हैं। अगर ये सब गतिविधियाँ हो रही हैं तो निश्चित रूप से बच्चे सीखने सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं। एक शिक्षक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को सीखने के अवसर दें और सीखने के लिए वातावरण बनाएं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सीखने के लिए वातावरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं, अपने आसपास से सीखते हैं। और अगर ये वातावरण बनता है जहाँ पर कुछ खास तरह की गतिविधियाँ संचालित हो सकती हैं, कुछ खास तरह के अनुभव बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से सीखने में ये मददगार होंगे। एक महत्वपूर्ण बात हमें मानकर चलना है, हमें समझना चाहिए कि कक्षा की सभी गतिविधियाँ बच्चों के लिए ही होती हैं। वो कक्षा बच्चों के लिए एक सीखने सिखाने का जीवंत अनुभव बनाए, जीवन अनुबंध जो अनुभव है जीवंतता के साथ काम करें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बच्चे सीखेंगे। तो कक्षा की सभी गतिविधियां बच्चों को ध्यान में रखकर की जाए, इसीलिए हम बार बार जिक्र करते हैं, बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षण की। सहयोग अपने आप में एक सीखना ही है। अगर किसी भी गतिविधि में, किसी भी प्रकार की सीखने सिखाने की परंपरा में अगर सहयोगात्मक रवैया है, सहयोग की भावना है, तो वह भी अपने आप में सीखना ही है। तो सीखना एक प्रकार से बच्चों के अनुभवों को दोहराना, बातचीत के लिए तैयार करना, बच्चे जब सवाल करें उनका उत्तर ढूंढें, सोचें, खुद से करके देखना चाहें, सभी गतिविधियों के केंद्र में बच्चे होंगे, तो निश्चित रूप से एक बेहतर कक्षा के रूप में हम आगे बढ़ा रहे होंगे। सहयोगी जो शिक्षण अधिगम है, इसका भी अभिप्राय यही है कि एक ऐसी स्थिति की आप कल्पना करिए जिसमें एक से अधिक विधियों का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि सभी बच्चे निश्चित रूप से अलग अलग विधियों से सीख पा रहे हैं और सीखने का एक खास उद्देश्य है और इन सब उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसा अधिगम जिसका कोई खास निश्चित उद्देश्य हो, उसमें एक से अधिक प्रकार के अनुदेशन भी काम कर सकते हैं और सभी विद्यार्थी सामूहिक रूप से काम करते समय एक जिस गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं, जिस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, हम अक्सर उसे सामूहिक अधिगम का एक प्रकार समझ रहे होते हैं। ये एक प्रकार से सामूहिक अधिगम की एक उदाहरण बनता है। सामूहिक जो अधिगम है या सहयोगात्मक जो जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि सहयोगात्मक अधिगम क्या है, तो उसके बारे में ये जी जेकब ने इस बात को बताया कि ये कैसी अवधारणा है, ये कैसी तकनीक है जो सामूहिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती है। यानी कि कोई भी शिक्षण अधिगम यदि वो सामूहिक मूल्यों को प्रोत्साहित करता है तो निश्चित रूप से वो सहयोगी अधिगम की परिभाषा का एक प्रकार से उदाहरण बनेगा। जॉन डीवी अक्सर इस बात को मानते हैं कि अगर आपकी कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो रहा है, अगर आपकी कक्षा में कोई भी गतिविधि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर रची जा रही है, उसके आधार पर आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से वह सीखने सिखाने की वह विधि वह परंपरा सहयोगी अधिगम के साथ जुड़ेगी। यदि हम सीखने में बच्चों को समानता का अवसर देते हैं, हम बच्चों को अवसर देते हैं कि और सभी बच्चों को बराबर अवसर मिले इस तरह की गतिविधि में सीखने की, तो वो सहयोगी अधिगम के रूप में जानी जाएगी या समझी जाएगी। सहयोगी शिक्षण की जो अवधारणा है, अगर उसके बारे में हम चर्चा करें या समझने का प्रयास करें, तो हम ये पाते हैं कि संपूर्ण ये जो रचना है, इस सिद्धांत की जो संपूर्ण रचना है, वो एक प्रकार से समन्वयकारी है, जिसमें सिद्धांतों की भूमिका, जिसमें अभ्यास की भूमिका और इन दोनों के संदर्भ में किए गए अनुसंधान की भूमिका महत्वपूर्ण बनती है। यानी कि आप सिद्धांततः चीज़ों को समझते हैं, उनके बारे में खोज करते हैं, उसके बारे में आप अनुसंधान करते हैं और उसके बाद उसका अभ्यास करते हैं, तो ये तीनों का अगर समन्वय है तो निश्चित रूप से वह सहयोगी अधिगम की एक मजबूत अवधारणा के रूप में जाना जाएगा या समझा जाएगा। सहयोगी जो शिक्षण है, जिसके द्वारा हम छोटी कक्षाओं में पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, उसके कई आयाम हैं। तो उनके जो महत्वपूर्ण आयाम हैं, उनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक प्रकार से सकारात्मक अंतर जो अंतर निर्भरता है उसको बढ़ाती है। यानी कि सभी बच्चे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और ये निर्भरता सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि उस गतिविधि के लिए या उस शिक्षाई उद्देश्य के लिए सभी बच्चों का एक साझा उद्देश्य है। सभी बच्चे किसी न किसी खास उद्देश्य के साथ, जो उद्देश्य एक है,
साझेदारी लिए हुए, सामूहिकता लिए हुए, उनका उद्देश्य है, उसके साथ काम कर रहे होते हैं। कक्षा में उपलब्ध जो संसाधन उनके पास हैं या उस गतिविधि के लिए जो भी संसाधन उनको मुहैया कराए गए हैं, वो सब संसाधनों पर सबका अधिकार होता है, सबकी भागीदारी होती है। तो उनके पास साझा उद्देश्य भी है, उनके पास साझा संसाधन भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भले ही व्यक्तिगत रूप से अलग अलग हैं, पर जब वो समूह में काम करते हैं तो एक समूह ही उनकी पहचान के रूप में दिखाई पड़ता है। यानी कि उनकी अपनी पहचान, उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान जहाँ गौण हो जाती है और एक समूह की पहचान बनकर सामने आती है, तो ये समूह की पहचान साझा संसाधन, साझा उद्देश्य, एक प्रकार से सकारात्मक आत्मनिर्भरता की तरफ बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं। यानी कि सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और सभी एक दूसरे के जो निर्भरता है उसके महत्व को समझ रहे होते हैं। इस प्रकार की गतिविधि में या इस प्रकार के जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, इसमें व्यक्ति एवं समूह की सकारात्मक जवाबदेही भी होती है। इसको मैं हम यूँ समझ सकते हैं कि जो सहकारिता का जो सबसे बड़ा नारा हमारे पास है या जो सबसे बड़ा जो ध्येय वाक्य हमारे पास है, वो ये एक सबके लिए और सब एक के लिए। अर्थात यहाँ पर हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल, हर वो बच्चा, उसकी जो उसने जो भी ज्ञान की रचना की वो पूरे समूह के लिए की है, और पूरे समूह ने जो ज्ञान की रचना की उसमें उस बच्चे की भागीदारी है। तो यानी कि वो बच्चा उसके द्वारा निर्गत ज्ञान पूरे समूह के लिए है, और पूरे समूह के द्वारा जो निष्कर्षात्मक जो ज्ञान निकला, जो निचोड़ निकला है, वो पूरे के सभी बच्चों पर समान रूप से लागू होगा। तो यहाँ पर एक जवाबदेही की भावना जो है, जो उत्तरदायित्व की भावना है, वो व्यक्ति एवं समूह की आपस में पूर्णता के साथ होती है। यानी कि वो व्यक्ति भी उतना जिम्मेदार है जितना समूह जिम्मेदार है। तो वहाँ पर एक सकारात्मक जवाबदेही का बोध होता है, सकारात्मक जवाबदेही की भावना वहाँ पर एक प्रकार से आगे बढ़ रही होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस प्रकार के शिक्षण अधिगम में अक्सर उस पूरी की पूरे समूह में या उस पूरी गतिविधि के साथ काम करते समय सभी बच्चे एक दूसरे को समझते हैं, समानता का भाव होता है। वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे की जो प्रवृत्तियां हैं उसको समझ रहे होते हैं। तो ये सहयोगी शिक्षण अधिगम सभी बच्चों के लिए कक्षा में एक नए प्रकार का भाव पैदा करता है, जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चों को समझता है, हर एक बच्चा एक दूसरे को जानता है, उसका परिवेश कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी अभिवृत्ति कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी क्या भाषा शैली है, उसका व्यवहार किस प्रकार से है। तो वो एक मौका मिलता है कि सीखने सिखाने की परंपरा के माध्यम से एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की रुचियों को, अभिरुचियों को, उनके कौशल को, उनकी क्षमताओं को, उनकी कमियों को जब आप समझ पाते हैं तो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते हैं। तो ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करने के लिए आपको एक बड़ा समय मिलता है, एक बड़ा आपको एक स्थान मिलता है जहाँ पर एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो मूलतः सकारात्मक आत्मनिर्भरता, व्यक्ति एवं समूह की सकारात्मक जवाबदेही और समानता का भाव सहयोगी शिक्षण अधिगम का एक बड़ा आयाम बन जाता है। साथ ही साथ सहयोगी जो शिक्षण अधिगम है उसमें कौशल निर्माण एवं सामूहिकता का बोध बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। प्राय छोटी कक्षाओं में कुछ खास तरह के कौशल के निर्माण के लिए यह विधि बहुत उपयोगी बनती है। इस तरह की गतिविधि में, इस तरह के काम में, इस तरह के सीखने सिखाने की परंपरा में अक्सर समूह में काम करते समय कुछ खास तरह की क्षमताओं का विकास होता है। वो क्षमता भले उन बच्चों के अंदर पहले से विद्यमान है, पर वो मुखर होकर सामने आ रही होती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है कि बच्चे के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। अब वो अपनी कक्षा की अगुवाई करने लगता है, अपने समूह की वो अगुवाई करने की क्षमता उसके अंदर विकसित होती है। तो वो अपने आप के अंदर एक आत्मविश्वास से भर जाता है, उसके अंदर अपने आप के अंदर एक सकारात्मकता का बोध होता है, और वो मानता है कि हाँ, मैं उस पूरी कक्षा का नेतृत्व दे सकता हूँ, उस पूरी जो पूरा जो समूह है हमारा उसकी अगुवाई कर सकता हूँ। ग्रुप में काम करते समय, छोटे समूह में काम करते समय डिसीजन लेना या निर्णय करना, फैसले लेना किसी भी समय पर, उन बच्चों को उस समूह में काम करते समय फैसले लेने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने अपनी कक्षा में ये तय किया कि सहयोगी शिक्षण अधिगम विधि के द्वारा कि आज सभी बच्चे समूह में बटेंगे, छोटे छोटे समूह में आपने उनको समूह बना दिए। समूह बनाने के बाद आपने उनको ये दायित्व सौंपा कि वो सब बच्चे इस बात की बात पर विचार करें कि उनके आसपास में, उनके परिवेश में कौन कौन सी फसलें इस मौसम में लगाई जा रही हैं, इन फसलों का बाजार कौन सा है,
इन फसलों के लिए किस मौसम में या इस जो जो भी अभी समय चल रहा है इस मौसम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी बन जाता है। फसल के उपरांत कौन कौन से लोग इस खेती के क्रम में कौन कौन से लोग आएंगे, कहाँ से मजदूर आएंगे, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में किन किन लोगों की भागीदारी होती है, ये जानना, ये समझना अपने एक गतिविधि के रूप में या सहयोगी शिक्षण के रूप में आपने अपनाया। अब छोटे समूह में ये बच्चों को तय करना है कि उनमें से कौन है, कौन होगा जो उस पूरे समूह का नेतृत्व करेगा। तो आपस में ही वो बच्चे स्वत ही अपने अनुभवों के आधार पर खुद से अपना एक नेता, खुद से अपनी अगुवाई करने वाले व्यक्ति का को चुन लेंगे। तो ये एक नेतृत्व क्षमता विकास के साथ जुड़ेगा। साथ ही साथ वो जो निर्णय लेना है कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा, हमें कैसे आगे बढ़ना है, ये निश्चित रूप से भागीदारी मूलक होता है और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विकास की तरफ बढ़ा रहा होता है। ये ऐसी गतिविधि जिसमें बच्चे तय करते हैं, निर्विरोध रूप से तय करते हैं या आपस में बहस करके तय करते हैं और वो एक अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं कि हाँ, ये हमारा नेतृत्व करने वाला होगा, ये व्यक्ति हमें दिशा निर्देश देगा और इसके दिशा निर्देश की हमें पालना करनी है। तो एक प्रकार का अनुशासन, ये भी एक इस गतिविधि से पनप रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही साथ ये एक वो प्रक्रिया भी है जिसमें हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, बच्चे एक दूसरे पर भरोसा करने सीखते हैं। न केवल वो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं बल्कि वो खुद पर भी भरोसा करते हैं। वो अपने किए हुए ज्ञान को खारिज होने और अपने किए हुए ज्ञान को पुष्ट होने, दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो उन्होंने समझा है, जो उन्होंने सीखा है, अगर वो ग्रुप में या अपने समूह में स्वीकार्य है, इसका मतलब वो ज्ञान पुष्ट होता है। और अगर मान लीजिए वो ज्ञान स्वीकार्य नहीं है, वो स्थितियाँ स्वीकार्य नहीं है जो उस व्यक्ति ने, एक अकेले व्यक्ति ने बनाई है, तो वो इस बात को भी जानने का प्रयास करेगा क्यों स्वीकार्य नहीं है। तो एक प्रकार से जो वैज्ञानिकता है, जिसको हम लोग लगातार वैज्ञानिक सोच की तरफ आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि गतिविधियों में या सीखने सिखाने के सोपान में हम ये तय करें कि कहाँ पर वैज्ञानिकता का विकास हो रहा है, तो खारिज करना, अपनी अवधारणाओं को दोबारा से देखना, समझना, इसके लिए एक अवसर मिलना और इन अवसरों के माध्यम से उस व्यक्ति में, उस बच्चे में, उस विद्यार्थी में एक विश्वास का निर्माण होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपस में बात करते समय उनको एक ऐसा अवसर भी मिलता है कि वो एक दूसरे के करीब आते हैं, आपस में मित्रता का विकास होता है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की रुचियों, उनके मूल्यों को, उनके व्यक्तित्व को समझने का उनको, उनके पास एक अवसर होता है और ये सब अवसर मिलकर आपस में उनके बीच में एक मित्रता का भाव पैदा करता है। एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से गहरे में संप्रेषित होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलता है काम करने का, बात करने का, एक दूसरे के भावों को समझने का, एक दूसरे के जो तरीके हैं कि कौन व्यक्ति कैसे काम करता है। मेरी कक्षा में पास में बैठा हुआ मोहन, वो ये जान पाता है कि जो जाकिर है वो कैसे काम कर रहा है, जाकिर को किन सब चीज़ों को, जाकिर का जो समझना है वो किस प्रकार से होता है। तो मोहन और जाकिर के बीच में एक नए प्रकार से संप्रेषण स्थापित हो रहा होता है सीखने के माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों एक ही मोहल्ले में रहने वाले हैं, एक ही बस्ती में रहने वाले हैं या एक ही गाँव के रहने वाले हैं, फिर भी बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जब वो बात कर पाते हैं। पर सहयोगात्मक शिक्षण एक अवसर मुहैया कराता है जो उन बच्चों को अपनी कक्षा में और करीब लेकर आता है। वो नए प्रकार से एक दूसरे को समझते हैं, नए प्रकार से एक दूसरे की भावनाओं को या एक दूसरे के व्यक्तित्व को जान रहे होते हैं। कक्षाओं में अक्सर एक बच्चा दूसरे बच्चे से कई तरह की समस्याओं से जूझता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होता है, पर सहयोगात्मक शिक्षण एक ऐसा अवसर मुहैया कराता है उन बच्चों को जिसमें वो अपने इस छोटे मोटे झगड़ों का, छोटे मोटे विवाद का निपटारा स्वयं कर लेते हैं। ये एक इतनी महत्वपूर्ण बात है कि वो सामूहिकता की बोध के साथ छोटे मोटे जो उनके बीच में वाद विवाद हैं, उनके अपने मन मुटाव हैं या किसी चीज़ के साथ उनकी निकटता नहीं है, किसी के साथ उनकी दोस्ती नहीं है, तो वो आपस में ही उस समूह की मदद से उसका निपटारा करते हैं। तो वो एक प्रकार से कई स्थितियों से गुजरते हैं और गुजरते हुए नेतृत्व क्षमता का विकास कर रहे होते हैं। डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा मूल्य है, उस तरह की क्षमता का विकास होना बहुत बड़ी बात है छोटी कक्षाओं में खास तौर पर। तो निर्णय क्षमता का विकास हो रहा होता है, खुद में और अन्य साथियों में वो विश्वास करने लगते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते हैं, मित्रता का विकास होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत में प्रगाढ़ता आती है, एक दूसरे के साथ चीज़ों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, मूल्यों का आदान प्रदान होता है। तो एक दूसरे के साथ वो संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे की अपने घरों के बारे में जान पाते हैं, एक दूसरे के समाज के बारे में भी जान पाते हैं। तो निश्चित रूप से एक प्रकार का ये समेकन भी हो रहा होता है संप्रेषण के माध्यम से। और एक जो बड़ी बात है वो ये
कि इस तरह की स्थितियों में बच्चे अक्सर, अगर मान लीजिए विवाद की स्थिति में है, तो वो आपस में खुद भी निपटारा कर लेते हैं। तो सहयोगी शिक्षण अधिगम जो है वो कई प्रकार से उन बच्चों को तैयार करता है, कई प्रकार से उन बच्चों के साथ काम कर रहा होता है। एक शिक्षक होने के नाते सहयोगी अधिगम जो के द्वारा जो सीखना है, आप अपनी कक्षा में इसको अगर आयोजित करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की आवश्यकता होती है। पर ये तैयारी, क्योंकि आप रोज़ काम करते हैं, तो बहुत सहज भी है, क्योंकि सभी, लगभग सभी सीखने की परंपराएं इसी तरह की तैयारी के साथ आगे बढ़ रही होती है। आपको सबसे पहले एक योजना बनानी होती है कि हमें क्या करना है कल की कक्षा में, और इस योजना का निश्चित रूप से किसी न किसी आपके विषय के साथ, किसी न किसी विषय के मुद्दे के साथ आपका साथ जुड़ा होता है। सहयोगी शिक्षण दो प्रकार से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। एक तो ये कि सहयोगी शिक्षण में आप न केवल एक से अधिक विधियों का समेकन कर रहे होते हैं, यानी कि एक ही काम को करते समय कई प्रकार की विधियां इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। अवलोकन भी इस्तेमाल हो सकता है इसमें, आप अवलोकन के द्वारा बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चे अवलोकन करके भी घटनाओं को समझ सकते हैं, छोटी मोटी परियोजना निर्माण के आधार पर से भी बच्चे जुड़ सकते हैं, प्रयोग करके भी जुड़ सकते हैं बच्चे, वाद विवाद या बहस करके ही बच्चों को एक नई चीज की जानकारी मिल सकती है। तो कई प्रकार के मूल्यों का समेकन होता है, एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि हम एक समूह बनाते हैं कि बच्चों का अपनी कक्षा में एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ जो के साथ काम कर पाते हैं, वो एक समूह का निर्माण होता है। इस छोटे समूह के निर्माण से बच्चों की भागीदारी स्वतः बढ़ जाती है, क्योंकि सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ करने के लिए होता है, और वो ये मान कर चलते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो उस पूरी ज्ञान परंपरा में अपनी भागीदारी कर रहे होते हैं। इस वाली स्थिति में बच्चों की जवाबदेही का भी भाव उसमें पैदा होता है, बच्चे जवाबदेही भी बनते हैं, और आपको अंत में इस पूरी गतिविधि को आयोजित करने के दरमियान ही जानना और समझना होता है, और उस पर चिंतन करना होता है कि ये पूरी गतिविधि किस तरह के निष्कर्ष के पास पहुंच रही है, और इसमें सीखने सिखाने की परंपरा कैसे विकसित हो रही है। इस प्रकार के शिक्षण की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि ये एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को विकसित करता है, जो आज के समय की बहुत बड़ी बात है। संवैधानिक मूल्यों के साथ अगर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण विकसित होता है तो सीखने सिखाने की का जो उपागम है वो सार्थक बनता है। इस प्रकार के शिक्षण में किसने सीखा के बरक्स क्या और कैसे सीखा यह महत्वपूर्ण बन जाता है, यानी कि यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि किस बच्चे ने क्या सीखा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण बनता है कि उसने क्या सीखा और कैसे सीखा। तो सीखने की प्रकृति और सीखने की प्रक्रिया दोनों महत्वपूर्ण बनती है, वहां पर अधिगमकर्ता स्वतः गुण हो जाता है। इस प्रकार की गतिविधि एक दूसरे को प्रोत्साहित करती है, अपने साथियों के साथ वो विचार और उनके जो नजरिया है उसको समझते हैं, मित्रता के भाव में अगर आते हैं तो। इस प्रकार की जो गतिविधि है, इस प्रकार का जो शिक्षण है, वो बच्चों को सहिष्णु बनाता है, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और इस तरह के सुनने और समझने की प्रक्रिया में वो लगातार प्रतिस्पर्धा की जो स्थिति है, जो मनस्थिति है, उससे दूर होते जाते हैं। तो यहाँ एक प्रतिस्पर्धा भी अगर होती है तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है कि हम सब ने काम किया है, किसी ने कम या किसी ने ज़्यादा काम किया है वो एक अलग बात होती है, पर हमने समूह में सबने एक साथ काम किया है, हमने समूह में साझी रचना की है, ज्ञान को हमने साझे रूप से बनाया है, ये महत्वपूर्ण बनती है, और इस प्रकार की स्थितियां लगातार प्रतिस्पर्धात्मक जो रवैया है उसको दूर करेगी। समस्या समाधान करने का एक कौशल का विकास होता है। आज के इस दौर में छोटे बच्चों में अगर हम इसके बारे में बात करें तो उनके पास कई समस्याएं होती है, तो खुद से इन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और एक प्रकार के कौशल का निर्माण कर रहे होते हैं जब इन समस्याओं के साथ वो जूझते हैं। तो कौशल निर्माण में समस्याओं का समाधान भी है, सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है, प्रतिस्पर्धा भी कम होती है, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के विचार और नजरिए को समझते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, ये और ये सब मिलकर एक लोकतांत्रिक जो कक्षा है उसकी तरफ बढ़ती है। सामूहिकता का भाव अक्सर उस व्यक्ति या उस बच्चे के तनाव को दूर करता है जो वो अकेले नहीं कर पाता। माना कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, समूह में हैं, समूह में काम अच्छा करेंगे, और जब आप उन्हें अकेले काम देते हैं तो शायद नहीं कर पाते। तो इससे ही पता भी चलता है कि व्यक्तिगत तनाव या व्यक्तिगत जो उसकी समस्या है या उसको काम न कर पाने की जो स्थिति है, वो अकेले काम नहीं कर सकता, वो सामूहिकता में काम कर लेता है, सभी बच्चे उसको मिलकर काम करा देते हैं, तो वो उससे बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की स्थितियों में साथ मिलकर काम करने की भावना मजबूत होती है, सामूहिक निर्णय लेने की भावना का विकास होता है, और यदि किसी कारण से वो समूह अगर असफल भी हो गया, मान लीजिए जो निर्दिष्ट लक्ष्य आपने उनके लिए तय किए थे या जो काम आपने उनको दिया था वो किसी कारण से नहीं कर पाए या उस नतीजे तक नहीं पहुंचे, तो इसमें वो चिंता उतनी चिंता नहीं होती है। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस असफलता का जो भाव है वो उस रूप में नहीं आता है, और वो उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसी एक पर नहीं होती, वो सामूहिक होती है, यानी कि हम सब ने मिलकर उस नतीजे को नहीं प्राप्त किया, ये समझ रहे होते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है, सकारात्मक बोध होता है,
उनकी रचना जो रचनाधर्मिता है वो आगे बढ़ रही होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात वो अपनी कक्षाओं के लिए या शिक्षक के लिए कि वो एक साथ कई विषयों का समेकन कर रहा होता है। तो सहयोगी शिक्षण अधिगम की जो उपयोगिता है वो इस मायने में भी है, न केवल यहाँ पर सीखने सिखाने की परंपराओं का समेकन है बल्कि विषयों का भी समेकन है। भूगोल का इतिहास के साथ, इतिहास का समाज के साथ, समाज का विज्ञान के साथ, आपस में ये एक समन्वय बनता है। और इस प्रकार की जो गतिविधि है या जिस प्रकार का सीखना है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह बच्चों में सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। ये व्यक्तिगत कौशलों का विकास करता है, जो अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति है। जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम सीखने सिखाने की इस परंपरा में बच्चों के साथ उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कर रहे हैं, सामाजिकता का विकास कर रहे होते हैं। और इन सब में जब बात करते हैं हम लोग तो ये एक प्रक्रिया के रूप में सहयोगी शिक्षण अधिगम ये मानता है कि सीखना अपने आप एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया किस प्रकार की है, जिसमें बच्चे अवलोकन भी करते हैं, बच्चे वर्गीकरण भी करते हैं, बच्चे गणनाएं भी कर रहे हैं, बच्चे मापन मूल्यांकन भी करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं, उपयोग करना भी सीखते हैं, और साथ ही साथ इन पूरी स्थितियों में वो ये भी बताने और करने का प्रयास करते हैं जहाँ पर कार्य कारण संबंध स्थापित हो। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी हो रहा होता है। तो सहयोगात्मक शिक्षण अधिगम वस्तुतः एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक लोकतांत्रिक पद्धति है, जो सामाजिकता और सामूहिकता के साथ नए मूल्यों को गढ़ रही होती है। और आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में एक बेहतर विकल्प है जहां हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखने सिखाने की परंपराओं और प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। आपकी भूमिका जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं ये मानता हूं कि आप एक योजनाकार के रूप में काम करते हैं, कक्षा की रचना आप कर रहे होते हैं, गतिविधि का आयोजन आप कर रहे होते हैं, संसाधन मुहैया भी आपको कराना होता है, आप एक पर्यवेक्षक के रूप में काम करते होते हैं कि आप ये इस बात को ऑब्जर्व करते हैं, इस बात को आप लगातार सचेत रूप से देख रहे होते हैं कि कौन किस ग्रुप में किस प्रकार की स्थितियां का निर्माण हो रहा है और उन्हें किस प्रकार की स्थितियों में चुनौतियां मिल रही है। और मूलतः इस प्रकार की गतिविधि में एक शिक्षक की भूमिका में कम और एक सीखने वाले की भूमिका में ज़्यादा होता है। तो यानी कि आप एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में भी चिन्हित हो रहे होते हैं। पूरी सहयोगी शिक्षण अधिगम की जो परंपरा है उसमें शिक्षक केंद्रीय भूमिका में आ जाता है और वो भूमिका शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही मिलकर साझा कर रहे होते हैं, विषयों के साथ, पद्धतियों के साथ, बच्चों के अपने अनुभवों के साथ और शिक्षक की अपनी सक्रियता के साथ वो देख रहा होता है उस पूरी की पूरी रचना और उस जो अपनी कक्षा है उसके लिए काम कर रहा होता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो छोटी कक्षाओं में हम कई प्रकार की चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। ये जानना और समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बनती है। और अंत में मैं ये आप सब लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि हम सब अपनी कक्षाओं में इस प्रकार का माहौल पैदा करें, इस प्रकार के माहौल की रचना करें जहाँ पर बच्चे लगातार सीखें और सहयोगात्मक रूप से सीखें। तो निश्चित रूप से जब सहयोगात्मक रूप से सीखा जाएगा, काम किया जाएगा, तो वो बाल केंद्रित अधिगम होगा, वो एक आनंददायी शिक्षण की जो लगातार हमारी नई पाठ्यचर्या बात करती है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे। छोटी कक्षाओं में बच्चों की संख्या, बच्चों का आना एक प्रकार से नए प्रकार से रेखांकित होगा, नए प्रकार से आपको एक नए सीखने और सिखाने में मदद देगा। धन्यवाद।